बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौत के मामले पर भाजपा ने नीति सरकार को घेरा, मुख्यमंत्री का पुतला जलाया और किया प्रदर्शन मार्च। महागठबंधन सरकार शराब बेचने वालों को संरक्षण देकर जहरीली शराब पिला पिलाकर लोगों की सामूहिक हत्याएं करा रही है भाजपा। बिहार में जहरीली शराब से हो रही मौत, गिरती कानून व्यवस्था और बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा भाजपा विधायकों के साथ अमर्यादित व्यवहार को लेकर शनिवार को जिला भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा एवं राज्य की महागठबंधन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस क्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार के नेतृत्व में मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग, शराबबंदी की विफलता पर मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग से संबंधित स्लोगन की तख्ती लिए सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं का जत्था स्थानीय कंपनी बाग स्थित खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चौकी की प्रतिमा पर माल्यार्पण उपरांत प्रदर्शन मार्च करते हुए सरैयागंज टावर चौक जवाहरलाल रोड होते हुए कल्याणी चौक पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। कहा कि बिहार में जब से शराब नीति चली है तब से कई हजार लोग मर गए मगर मुख्यमंत्री की संवेदना नहीं जगती। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का शासन प्रशासन के साथ साथ अपनी भाषा पर भी नियंत्रण खत्म हो चुका है। ऐसे में नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि बिहार में साल 2016 से शराबबंदी है, यहाँ शराब का निर्माण करना, बेचना, पीना या किसी भी प्रकार से शराब के धंधे में शामिल होना कानूनन अपराध है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बताते हैं, लेकिन महीने दो महीने पर हर बार बिहार के किसी न किसी जिले से जहरीली शराब पीने के कारण दर्जनों लोगों की मौत की खबर सामने आती है। अभी ताजा मामला छपरा एवं सीवान जिले का है, जहां अभी तक जहरीली शराब पीने के कारण 60 लोगों से अधिक की मौत हो चुकी है। अभी तक कई लोग अलग अलग अस्पतालों में इलाजरत हैं, मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार में जो ये विफल शराबबंदी है इसका सड़क से लेकर सदन तक विरोध करती है, और अभी जो छपरा में जहरीली शराब पीने से 70 लोगों की मृत्यु हुई है, ये पूर्ण रूप से बिहार सरकार की नीतीश कुमार की विफलता है। और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि पियोगे तो मरोगे, अरे आप क्यों नहीं सुनिश्चित करते हैं कि बिहार में शराब नहीं बिकेगी? अगर सरकार चाह ले तो बिहार में एक बूंद शराब नहीं बिक सकती है, लेकिन सरकार के छत्रसाया में माफिया और सिंडिकेट भारी मात्रा में बिहार में शराब का वितरण कर रही है, और वो जो जहरीली शराब पी करके छपरा में 70 लोगों की मृत्यु हुई है, ये स्प्रिट मसरक थाना का स्प्रिट था, जिस मसरक थाना के स्प्रिट से जहरीला शराब बना और 70 लोगों की जान दी है। पूर्ण रूप से इसका जिम्मेवार बिहार सरकार और नीतीश कुमार है, इसलिए इस परिवार को मुआवजा देना होगा। इस पीड़ित परिवार को, जो ये 70 परिवार बिक रहा है, इसको सरकार को मुआवजा देना होगा। इस विफल शराबबंदी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक हम लोग इस निरंकुश और निकम्मी सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंक देंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा और ये जो विफल शराबबंदी है उसका विरोध होता रहेगा।